अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं आपको कोलाजन बूस्ट मास्क के बारे में बता रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया है रॉ मिल्क। रॉ मिल्क ही होना चाहिए, बॉयल्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि रॉ मिल्क में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और इसके साथ ही लिया है 1 टेबलस्पून एग वाइट, इंडेक्स फैदी, 1 पिंच टर्मरिक पाउडर हल्दी, और 3 से 4 ड्रॉप्स आमंड ऑयल, और 3 से 4 ड्रॉप्स लेमन जूस। दूध में मैंने ऐड कर दी है हल्दी और 3 से 4 ड्रॉप्स आमंड ऑयल बादाम के तेल के। आमंड ऑयल आपकी स्किन को नरिश करता है और हाइड्रेट करता है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें कि बिल्कुल यकजान हो जाए। अब हम इसमें डाल रहे हैं एग वाइट, जो स्किन इलास्टिसिटी को बूस्ट करता है और रिंकल्स और फाइन लाइन के लिए बेस्ट है। एग वाइट की क्वांटिटी कम लग रही है, इसलिए मैंने 1 टेबलस्पून और ऐड कर दिया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 3 से 4 ड्रॉप्स लेमन जूस के। लेमन जूस विटामिन सी से भरपूर होता है और ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है, जो स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। जी तो व्यूअर, अगर आपको मेरी रेमेडी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अच्छा सा कमेंट करें, और बेल आइकन को लाजमी पुश करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस मास्क को 20 मिनट के लिए अपने फेस पर अप्लाई करें। 3 से 4 लेयर्स तक लगा सकते हैं आप। इस मास्क को आप ट्वाइस अ वीक भी लगा सकते हैं, वरना वंस अ वीक लाजमी लगाएं। ये आपकी स्किन पर, फेस पर मैजिकली इफ़ेक्ट करेगी और आपको कोलाजन कैप्सूल, टैबलेट या कोई क्रीम्स वगैरह नहीं लगानी पड़ेगी। ये मैंने 3 से 4 टाइम 4 लेयर्स लगा ली हैं। अब मैं इसे 20 से 25 मिनट तक ड्राई होने दूंगी। जब ये अच्छी तरह ड्राई हो जाएगा तो इसको धो लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।